ओके, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग है। मैं बताऊं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर जब मैं कहूं इम्पोर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हर साल अगर जब जेईई मेंस की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। कई कई बार तो इसे 7-8 क्वेश्चन भी पूछे गए जेईई मेंस में, और एडवांस में 2-3 इसके क्वेश्चन रहते हैं। मैं बताऊं तो अगर जो इनऑर्गेनिक का पूरा एकदम जो है यानी कि बैकबोन है, अगर जिसने ये नहीं पढ़ा उसको मैं बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर जिसने अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लिया, उसका 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यही है। चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर जो सही से पूरा का पूरा अगर जो केमिकल बॉन्डिंग की सारी पॉइंट जो है पढ़ लिए, तो 80% यानी कि जो ये क्या कर जाता है, यानी कि जो है कवर कर जाता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोगों के पास उतना तो समय नहीं है, जितना समय है जितना चीजें मैं बता सकता हूँ वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यानी कि जो है बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको इस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस यूनिट से जनरली आपको एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कभी भी केमिस्ट्री का पेपर हो ही नहीं सकता है। सोच लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर साल यानी कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन जेईई मेंस में रहना, 3-4 यानी कि कई बार तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको मैं कहूंगा कि आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर जब आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के जो है यानी कि पूरा का पूरा दिक्कत होगा। अगर ध्यान नहीं पढ़ोगे फिर हाइब्रिडाइजेशन कहूंगा कि देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये प्लेनर है वो प्लेनर है, तो आपको वहां दिक्कत आएगी, और ऑर्गेनिक में भी दिक्कत आती है इसके बिना। कहीं आप बताऊंगा कि रेजोनेंस वो कर रहा है, कहीं कहूंगा कि ये देखो पोलर है, कहीं कहूंगा हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी है, तो कहीं पूछूंगा लॉन पेयर कितना है। तो ये हर एक, वैसे तो मैं कहूँ केमिस्ट्री का ये हर्ट ही है, ठीक है, यानी कि बिना हर्ट के हम लोग यानी कि सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर, अब इतनी सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को बताया, तो इसकी थोड़ी बहुत चीजें जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कोई भी कंपाउंड, ठीक है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग करता है, यानी कि क्यों जो है आपस में रिएक्ट करता है, तो बताना स्टेबल होने के चाहिए लिए। स्टेबल होने के लिए। वेरी गुड, यानी कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो इसलिए अपने आप को यानी कि जो है करता है ताकि कि स्टेबल हो जाए। क्या सभी के सभी कंपाउंड एक दूसरे से आपस में रिएक्ट कर जाते हैं? नो सर, हाँ सर, फिर कुछ ही क्यों करते हैं? सर जैसे मैं क्योंकि सर कहूँ कि उनका सर हाइड्रोजन बिहेवियर जो है सर अलग दूसरों से सर, अलग होता है। ओके वेरी गुड, यानी कि वो डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि अगर जब सभी के सभी एटम सभी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ एटम कुछ के साथ करते हैं, कुछ एटम जो है यानी कि कुछ के साथ करते हैं, लेकिन सभी के सभी जो है सभी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस कंपाउंड के साथ यानी कि रिएक्ट करते हैं जहां पे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अच्छा, स्टेबिलिटी में एनर्जी ज्यादा होगी यानी कि कम होगी? काम कम होगी, तो यानी कि याद रखना कि स्टेबिलिटी में जो यानी कि क्या हो जाती है कि उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ओके, दुनिया में हर कोई इंसान, आप लोग भी इसलिए पढ़ रहे हो ताकि कि आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो। अब आपकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी? अगर मैं कहूं, सपोज कीजिए कि आप लोग आईआईटी पहुंच गए, और आपके आईआईटी पहुंचने के बाद 4 साल के बाद जो है आपकी पैकेज लग गई करीब करीब जो है 15 लाख जो है पर एनम, 15 से 20 लाख, तो इतना नॉर्मल होता है आईआईटी के स्टूडेंट के लिए। आप नहीं बिलीव करोगे, आपकी फैमिली कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे गार्जियन जो होंगे आप लोगों के 30,000 से 20,000 से 30,000 के बीच में काम करते हैं, जनरली बता रहा हूँ, किसी को हो सकते ज्यादा भी हो लाख भी हो, लेकिन मैं जनरली बात करूं। लेकिन आप सोचो कि आप अपने फादर से ज्यादा जब कमाने लगोगे तो आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, फैमिली की स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, और आप पे भी यानी कि क्या होगा, यानी कि गर्व होगा गांव समाज को कि देखो इन्होंने जो इस प्रकार से घर बनाया, इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है की। ओके, तो यानी कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सभी के सभी स्टेबल होना चाहते हैं। आप इसीलिए पढ़ रहे हो आज ताकि कि कल आपका जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाए।
ठीक है, अब कहोगे सर कुछ नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ रहे हो सकता है कि नेता भी बन के स्टेबल हो जाए किसी ना किसी फॉर्म में जो है, यानी कि स्टेबल हो सकता है। खैर आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या, ये तो समझ में आ गया कि सर सभी के सभी एटम जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि कि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो, स्टेबिलिटी मेंटेन होगी तो यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी जो है यानी कि कम हो जाएगी। दूसरा मैंने कहा सभी के सभी एटम जो है सभी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि सभी के एटम सभी के साथ जो है स्टेबल नहीं हो पाते, इसलिए यानी कि वो क्या करते हैं, यानी कि जो है रिएक्शन नहीं करते हैं। खैर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। जो केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर जो मैं कहूं कि जब दो एटम के बीच या आयन के बीच या दो पार्टिकल के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कहोगे क्या सर केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है? हाँ, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कहोगे सर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता? अगर जो रिपल्सिव फोर्स होता तो वो आपस में बॉन्ड ही नहीं बनाते, बनाते क्या? अगर जो मेरा दोस्त नहीं है दुश्मन, क्या मेरी उससे दोस्ती हो पाएगी क्या? मैं उसके साथ बैठूंगा रहूंगा क्या? नहीं। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग तभी होगा जब वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आपका नाम भी है केमिकल, केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। देखो यहां लिखा भी है अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज एटम आयन एटीसी टुगेदर, यानी कि ये क्या करता है कि एटम को या आयन को या किसी स्पीसीज को वो क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो है बांध के रखता है या होल्ड करके रखता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो क्या करता है कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे आपको बताएंगे आयनिक, कोवेलेंट और जो है कोऑर्डिनेट और भी दूसरे टाइप के जो है होते हैं। ओके, अब मैंने जस्ट इसका रीजन बताया कि व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, यानी कि जो है केमिकल बॉन्ड्स क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग इज अ वे टू रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी कि बॉन्डिंग एक ऐसा तरीका है जिससे यानी कि क्या होगा कि जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स है या जो कंपाउंड है या जो स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी से क्या होता है, उसकी एनर्जी जो है यानी कि कम होती है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने सरकारी नौकरी ले लिया, आपकी एकदम बिल्कुल एनर्जी कम हो जाएगी, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। वैसे तो सरकारी नौकरी वाले वैसे भी डरते हैं कि किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, बहुत तरह की बात है। वो ऐसे भी नहीं चाहते किसी से जो उतना ज्यादा जो है बातचीत करें, बिल्कुल यानी कि क्या रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। तो वहां पे जब उसकी एनर्जी कम होगी तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। आपको दो बातें याद रखनी है, केमिकल बॉन्डिंग में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, दूसरा ये एनर्जी को रिड्यूस करता है ताकि कि क्या कर सके, खुद को यानी कि स्टेबल कर सके या स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, इसलिए जो है यानी कि केमिकल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। बॉन्डिंग जो अब कहता है व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, यानी कि क्यों केमिकल बॉन्ड का जो है यानी कि फॉर्म होता है, तो कहता है बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी कि जैसे मैं कहूं, अभी मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास मान लो कि NaCl है, ठीक है, मैं यहाँ पे Na को जो है Cl के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो साथ में ये तो NaCl बन जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, साथ में एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, साथ में क्या निकलती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे ही अगर जो एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जिस कारण से यानी कि क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड है जो बॉन्ड बनाते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी सिस्टम की एनर्जी को कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, ताकि कि वो क्या कर सके,
स्टेबिलिटी को यानी कि क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सारा कहानी जो है यानी कि स्टेबिलिटी को लेके है, हर कोई यानी कि जो है किसके पीछे पड़ा है, स्टेबिलिटी के पीछे पड़ा है। हम लोग देखो प्राइवेट नौकरी को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, गवर्नमेंट को देते, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी है, वहां पे आपको जल्दी निकालेगा नहीं, आपके सारे काम टाइम पे होगी, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए लोग जो है यानी कि क्या करते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। इसीलिए इस समय देखो शायद आप लोगों के हिमाचल में भी बहुत ज्यादा लोग जो है यानी कि गवर्नमेंट जॉब के जो है ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सारा का सारा खेल किस चीज का है, स्टेबिलिटी का और एनर्जी कम करने का। यानी कि आप सोचो कि जिसकी भी एनर्जी आपने कम कर दिया तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और अगर स्टेबल हो जाता है तो यानी कि क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है। सारा खेल जो यानी कि इस प्रकार से होता है। अब देखो यानी कि आपको जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो है आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। वैसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हम लोग यानी कि वीक फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। इन तीनों के तीनों जो है यानी कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आते हैं, ठीक है। ये जितने भी फोर्स है ये किस में आते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स में आते हैं। जैसे वीक फोर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे वंडरवाल फोर्स आते हैं, और कौन से आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, डायपोल डायपोल आते हैं, डायपोल इंड्यूस आते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो आते हैं उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, वीक फोर्स। खैर ये जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इसको आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ये कहां जाना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यानी कि किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से जाना जाता है। आगे आपको खुद में जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये जो बनता है ना, किसके बीच बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कहाँ बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, दो नॉन मेटल के बीच बनते हैं, जबकि मेटलिक बॉन्ड जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, दो पॉजिटिव के। मैं चाहूं तो एक और बॉन्ड बना देता हूं, जिसको एक और बॉन्ड का नाम हम क्या देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक्चुअली कहा जाता है कई जगह ना कि कोवेलेंट का ही टाइप है कोऑर्डिनेट, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो इसका टाइप नहीं है। कोवेलेंट यानी कि कोऑर्डिनेट में भी क्या होता है, यानी कि जो है शेयरिंग होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में भी क्या होता है, यानी कि जो है शेयरिंग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बुक में जो है इसको अलग तरीके से यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो है कोवेलेंट बॉन्ड ही, क्योंकि इसके अंदर भी क्या बनता है, यानी कि शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो खैर हमने यहाँ पे आपको बताना है, मुझे जो इन चार बॉन्ड के बारे में आप लोगों को बताना है कि किन किन चीजों से बने होते हैं। खैर मैं जो है यानी कि सबसे पहले जो है यानी कि अपने तरीके से बताता हूँ, फिर जो है यानी कि इस पीपीटी से अनुसार से बताऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए अगर जब मैं बात करूं तो यानी कि मेरे पास यानी कि कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रोवेलेंट। वेरी गुड, थैंक यू। इलेक्ट्रोवेलेंट, अब मैं समझाता हूँ क्यों कहते हैं इसको इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो अगर मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं NaCl का, ठीक है, मैंने Na लिया, ठीक है। Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाता है, 2.8.1, चाहो तो वाला भी लिख सकते हो। Cl का कितना हो जाता है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि कि जो है इस प्रकार से समझा सको, 2.8.1। अगर मैं इस पर दिखाऊं तो यानी कि कुछ सेल के फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में दिखाऊंगा, ठीक है। टू, एक छोटा सा और बना देता हूं, 2.8, और ये जो है 7, यहाँ पे देखो 2 होगा और यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे जो है यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2.8.7 हो जाएगा, ओके। अब अगर जब 2.8.7 हो जाएगा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा, 2
एट, ठीक है, और यानी कि जो है सेवन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा, यहाँ पे सेवन है। एक बात याद रखना कि जो भी कंपाउंड होते हैं ना, वो चाहते क्या है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। अब जब सर ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, और जैसे ही रिलीज कर देता है तो यानी कि क्या हो जाता है, एन ए प्लस बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, एन ए एन प्लस, यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2.8 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, गेन और कर जिस लेता है। कारण से यानी कि इस पे जो यानी कि क्या हो जाता है, 2.8 जो है 8 हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव दूसरे पे क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं इस स्ट्रक्चर को नहीं बना के सिंपली एन ए लिख देता हूं, यानी कि एन ए प्लस और सी एल माइनस, ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि कुछ इस प्रकार से। अब आपको पता है कि दो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट अट्रैक्टिव करेंगे, हाँ, अट्रैक्टिव तो यानी कि जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण जो है यानी कि बंधा होता है, ठीक है, यानी कि फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो। अब ध्यान से सुनना कि अब कहोगे सर आयने क्यों कहा, ये आयन में कन्वर्ट होने के बाद बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये किसमें हो रहा है, आयन में कन्वर्ट होने के कारण बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, आयोनिक बॉन्ड दे दिया। क्या एग्री कर रहे हैं, क्यों इसका नाम पड़ा आयोनिक जी बॉन्ड, क्योंकि सर हाँ ये क्या हो रहा है कि आयन में कन्वर्ट होने के कारण इनके बीच जो है यानी कि क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कहो सर ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ये आयन में कन्वर्ट हो रहा था तो इसलिए आपने इसको आयनिक बॉन्ड कह दिया, ठीक है। मुझे बताओ कि सर ये इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों का, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ये बॉन्ड बन रहा है। देखो सोडियम ने इसको डोनेट किया तो इसने लिया, और इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसने भी दिया तो इसका भी ऑक्टेट यानी कि क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यानी कि जब वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर के कारण अगर जब बॉन्ड बनता है तो जो इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या मेरी बात इतनी सी समझ में आ गई, ओके। अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से, इट फॉर्म फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि ये किससे बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से यानी कि जो है बने होते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि किससे बने होते हैं, मेटल। इसमें ना डायरेक्शन नहीं होता, कहोगे सर डायरेक्शन का मतलब मेरे को समझाओ, यानी कि डायरेक्शन का यानी कि होता है इट, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में यानी कि बन सकता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी जो है यानी कि क्या होते हैं, जो है यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, जबकि ये कैसा बॉन्ड बनता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है, ठीक है, या नॉन डायरेक्शनल फोर्स लगता है इसमें, ठीक है। अगर जो एक मैं बुक पढ़ रहा था, एक्चुअल में इसके अंदर ना कोई बॉन्ड बनता नहीं है, क्यों कहो, अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, कि मान लो कि देखो ये ना कहीं से भी फोर्स लग सकता है, ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन से लगेगा, क्योंकि इसकी आयनिक बॉन्ड की कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सारे के सारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये किधर से भी लगेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है नॉन डायरेक्शनल, इधर से भी लगेगा तो उतना ही लगेगा, इधर से भी लगेगा तो उतना ही लगेगा, इधर से भी लगेगा तो यानी कि क्या लगेगा, उतना ही लगेगा, ठीक है। मैंने बस समझाने के लिए बनाया कि एक में मैंने क्या ले लिया, यानी कि जो है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ टू,
एक और बॉन्ड बना देता हूं, ठीक है, और ये जो है 2.8 हो गया, और यहाँ पे जो मैं एक और बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है, और एक और बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है, क्लोरीन क्लिप 2.8.8 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच जो है कि किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा कि इनके बीच जो है यानी कि नॉन डायरेक्शनल होता है। क्योंकि सर इनके बीच में ऐसा देखते हैं, कभी बनाते नहीं है, NaCl को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जैसे देखना कि आप लोग H2O को लिखोगे तो यानी कि जो है बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हैं इस प्रकार से, लेकिन कभी NaCl को इस प्रकार से नहीं देखोगे। क्या सर इसके अंदर बॉन्ड नहीं बनता? नहीं, इसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। लोग सर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हो और बॉन्ड का ही फॉर्मेशन नहीं करा रहे। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे जो है यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आपकी मम्मी और आपके बीच बहुत ज्यादा जो है प्रेम होता है, या माँ का ममता कहो, बेटे का उतना नहीं होता जितना माँ का होता है, क्योंकि बेटा तो यानी कि कहता है डांटते रहता है मम्मी सबको, लेकिन माँ देखना कितना भी आप करो तो क्या उन दोनों के बीच क्या कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखता है, क्या बॉन्ड दिखता है? क्या नहीं, हमेशा क्या दिखता है यानी कि वो नॉन विजिबल फोर्स होते हैं, लेकिन फोर्स लगता है। मम्मी प्यार से बच्चे को बुलाती है, देखना दौड़ा आ जाता है, यानी कि उनके बीच क्या है एक फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी ऐसा ही फोर्स होता है, ये दिखता नहीं है लेकिन कोवेलेंट में दिखता है। जैसे कि मान लो कि सपोज करो कि मेरा दोस्त कोई है, तो वो बॉन्ड दिखेगा, वो इसलिए दिखेगा क्योंकि उसको मतलब है मुझसे, तो वो क्या करेगा कि जब भी जरूरत होगा तो यानी कि वो इसलिए मेरी जरूरत पूरा करेगा क्योंकि कल को कभी उसको जरूरत होगी तो मैं पूरा करूंगा, इसीलिए यानी कि उनके बीच लगेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या होता है यानी कि आप कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं दिखाते हो, ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या होता है आपको विजुअल नहीं होता है। खैर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं कि क्या क्या जो है इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ना वो कौन से स्टेट में पाई जाएगी? सॉलिड। वेरी गुड, यानी इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ना वो क्या होती है? सॉलिड होती है। कोई बताना चाहेंगे क्यों होती है? क्योंकि इनमें से फोर्स होता है सर, इनके जो एटम्स होते हैं ना सर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सर। वेरी गुड सर, यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, यहाँ पे ये जब भी बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। यहाँ पे जब भी बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये एक बार दे देता है तो फिर जैसे आपके मम्मी पापा आपको कुछ दे देते हैं तो यानी कि वो कभी भी आपसे मांगते नहीं है। जैसे आपकी मम्मी पापा जो है किसी को 10 रुपए दे देते हैं, क्या मांगते हैं क्या कि तू ला वापस? ठीक है, यानी कि वो नहीं मांगते हैं। यानी कि क्या होता है कि वो जब हम दे देते हैं, यानी कि बाकी अगर जो देता है तो शायद मांग भी सकता है, आपके दोस्त अगर दे रहे होंगे तो जनरली उधार के रूप में देते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यानी कि जब भी बनेगा यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है यानी कि क्या होता है यानी कि जो है बॉन्ड बनता है। और अगर जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अगर जब बॉन्ड बनता है तो इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है ना वो कौन सी होती है? यानी कि सॉलिड होती है। अब कई बच्चे दिमाग में सोच रहे होंगे सर लिक्विड क्यों नहीं होती, गैस क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा जिसके कारण जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोज आ जाएंगे। और आपको मैंने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि अगर जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल काफी क्लोज आ जाएंगे तो जिस कारण से उनके बीच गैप कम रहेगी, और गैप कम रहेगी तो यानी कि क्या हो जाएगा वो स्टेट जो है सॉलिड हो जाएगा। ओके, यानी कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कौन सी होती है? यानी कि जो है सॉलिड होती है। दूसरा, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी? हाई होती है। वेरी हाई, ठीक है, यानी कि जो है
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, इज हाई। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है कि इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, यानी कि जो है हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? ड्यू टू द, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि क्या होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यानी कि जो है होता है। ठीक है, अब यानी कि ये जो होता है, यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है ये काफी ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तीसरा कंडक्टेंस, बताइए कंडक्टेंस इसका कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी सर कंडक्ट करता है, करता है, यस सर, अभी तो बता रहे हो कि करता है या नहीं करता है? करता है सर, करते हैं। अच्छा आपने एनएससीएल लिखा है? जी सर, एनएससीएल, यस सर, यस सर। उसके अंदर कौन सा क्या चीज से बना होता है सर? आयन से बना होता है सर, एनए पॉजिटिव आयन और सर क्लोरीन, एनए पॉजिटिव आयन एक्टिव। ओके, आपको शायद पता हो जो नमक होता है वो, यानी कि जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं, वो NaCl का बना होता है। क्या NaCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है? यस सर, इन एक्वस सॉल्यूशन करता है कंडक्ट। मैं एक्वस की बात नहीं कर रहा, मैं एक्वस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं सॉलिड में, सॉलिड में बात करता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है? नहीं करता सर, सॉलिड में नहीं करता सर। अब हाँ बिल्कुल सही आंसर, सॉलिड के अंदर यानी कि जो है ये क्या करता है, नहीं करता है, यानी कि इट डज नॉट कंडक्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं करता, बट किसमें करता है? लिक्विड स्टेट में, यानी कि मोल्टन स्टेट में। अब कहोगे सर ये मोल्टन क्यों कह रहे हो, मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोनों के मैं बारे में समझाता हूं क्यों मैंने ऐसा कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में तो नहीं होता है, ये बात याद रखना, किसमें होता है? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या सर लिक्विड ही होता है? नहीं, अगर आप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज को सॉलिड से मेल्ट करते हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि मोल्टन स्टेट कहते हैं। मोल्टन स्टेट में क्या होता है जो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है? एक्चुअली मैं बताऊं, सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि उसके जो आयन होते हैं ना वो फ्री नहीं होते, वो आपस में बंधे होते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए यानी कि किसकी जरूरत होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर आयन नहीं है, हाँ सॉरी यूसुफ क्या बोले सर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। हाँ, अपोजिट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि अगर जब आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, या तो उसके पास चार्ज को यानी कि ट्रांसफर कराओ या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराओ। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि उसके पास फ्री आयन ही नहीं रहते, ये कंबाइंड स्टेट में रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करता। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता तो जिस कारण से यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है शो नहीं करता है, यानी कि जब शो नहीं करेगा तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। दूसरा, जैसे ही मोल्टन स्टेट में आ जाता है तो इनके पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाता है, आयन के फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ही आयन के फॉर्म में आता है तो ये क्या करने लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करने लगता है। अब कहोगे सर ठीक है इसमें करता है, लेकिन एक्वस में क्या होता है? अगर मैं बताऊं
एक्वस में क्या होता है कि पानी का सोल्यूशन में होता है। हाँ, ये क्या करता है ना कि किसी भी, अगर आप देखना कि कई बार क्या होता है, दीवार में पेपर चिपकाते हैं, सपोज करो वो नहीं निकलता है तो दीवार की जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी निकल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर पानी डाल देते हैं। वो क्या करता है कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को 80% तक कम कर देता है, यानी कि जो जिनके कारण वो जो बंधा हुआ है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कितना परसेंट कम कर दे रहा है, 80% कम कर दे रहा है। यानी कि सॉलिड में भी, यानी कि उसने क्या क्या होगा कि उसके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसको कम कर दिया होगा, जिस कारण से उसके अंदर यानी कि क्या आ गया होगा, आयन आ गया होगा। और अगर जैसे ही आयन आ जाएगा तो यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। यानी कि ये सारी जो है आपको पॉइंट आपको याद रखनी है कि इनके जो है यानी कि क्या है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि एग्जाम्पल के लिए यानी कि क्या हो जाता है NaCl, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा NaCl, KCl, ठीक है। दूसरा यानी कि जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कि MgCl2 etc। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमेशा याद रखना कि तीन चार चीजें जो है आपको याद रखनी है कि जब भी आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कब बनेगा, जब एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, नहीं। ठीक है। दूसरी कंडीशन याद रखना कि यानी कि जब भी इसके अंदर ये बन जाएगा तो यानी कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिस कारण से यानी कि क्या होता है वो जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जो ना सॉलिड स्टेट में यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके अंदर यानी कि जो है नहीं शो करता है, ठीक है। चलिए मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको बताना है कि NaCl, KCl और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो KCl हो गया, LiCl और मैं क्या ले लूँ, और RbCl ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट मेटेलिक करेक्टर कौन सा करेगा, मोस्ट मेटेलिक कंपाउंड कौन सा है, बताइए। सर NaCl। ओके, ठीक है, कोई और बताना चाहेंगे, LiCl। और कोई? चलिए मैं बताता हूं। NaCl। आप लोगों को पिछली क्लास याद है कि नहीं याद, मुझे पता नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम। नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, सर इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। वेरी गुड, इंक्रीज कर। हाँ वेरी गुड। यानी कि मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज। आरबीसीएल। अब जब मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो यानी कि इनके बीच भी यानी कि क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, जो सबसे मेटलिक करेक्टर जो शो करता है तो वो कौन शो कर जाता है, अच्छा RbI, यहाँ पे जो CSL नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा, RbCl हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कि आपके पास दिया जाए कि NaF, NaCl, NaI और NaBr। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट मेटेलिक करेक्टर कौन शो करेगा, NaF। Na, वेरी गुड। यानी कि अब आपके पास पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि नीचे की ओर जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा तो उतना ज्यादा यानी कि आयनिक बॉन्ड शो करेगा, तो जिस कारण से इस बार जो है यानी कि क्या होता है, मोस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट मेटेलिक करेक्टर आपको बताना था, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, मोस्ट मेटेलिक करेक्टर जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, Na। यानी कि इस टाइप से आपसे अगर के क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आंसर कर सकते हो, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत, यहाँ तक। चलिए अब यानी कि हम लोग बात करते हैं कि
यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, ये जब भी लगता है तो यानी कि क्या लगता है कि अपोजिट आयन के बीच लगता है, यानी कि अपोजिट आयन का मतलब क्या होता है, एक क्या होता है यानी कि जो है मेटल होता है, दूसरा क्या हो जाता है नॉन मेटल हो जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगता है, तो जिस कारण से देखो यहाँ पे Na है, Na प्लस बना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकला Cl, और यानी कि जो क्या बना यहाँ पे जो है Cl माइनस बना, और Na प्लस और Cl माइनस मिलके जो यानी कि क्या बना NaCl, और साथ में यानी कि क्या करते हैं लैटिस एनर्जी रिलीज करते हैं। आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं। मैं छोटी सी बात आप लोगों को अभी ही बताना चाहता हूं कि जब भी अगर जब आयन कंबाइन होने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे Na प्लस Cl माइनस, जब आयन कंबाइन होने के कारण अगर जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जो है लैटिस एनर्जी कहते हैं, ओके, यानी कि अगर जब ऐसे मान लो कि Na और Cl2 और यानी कि जो है NaCl ये बन रहा है 2 2, तो यहाँ पे जो है यानी कि क्या होगा हीट फॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा एच यानी कि जो है हीट फॉर्मेशन है यानी कि जो है रिलीज होगा। खैर ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि जो Na प्लस जब आयन क्या करेगा कि कंबाइन होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी कोई कंबाइन होता है यानी कि वो क्या करता है एनर्जी को रिलीज करता है, और जैसे ही एनर्जी को रिलीज करता है और जब आयन के फॉर्म में जब आयन कंबाइन होने के कारण एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं, ओके। यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो जनरली कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं, ठीक है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि इनके पास क्या है कि कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं कहूं कि अगर हाइड्रोजन और Cl यानी कि जो है यानी कि आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि क्या चाहते हैं हाइड्रोजन एंड Cl जो है यानी कि क्या चाहते हैं आपस में बॉन्ड बनाना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2.8.7 है। अगर हाइड्रोजन इसको दे देता है तो बेचारा खुद कंगला हो जाएगा, और अगर जब खुद कंगला हो जाएगा तो स्टेबल नहीं है, कोई भी अपना घर बेच के दूसरे की मदद तो नहीं करेगा, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो मदद करोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर जब मान लो सपोज करो कि रोड पे कोई अगर जो गरीब आदमी घूम रहा है या भिखारी घूम रहा है, हम ऐसा नहीं तो नहीं कर सकते ना कि ये लोग काम करो तुम मेरे घर में रह लो, ऐसा कोई दानवीर तो नहीं है ना करो, ठीक है, पता लगे कोई इस क्लास में जो है दानवीर करना है कि सर ठीक है हम तो दे देते हैं उस गरीब को, खैर ऐसा कोई करता भी नहीं है, कोई करेगा भी नहीं। हम लोग हमेशा अगर जो आपके पास 100 रुपया होगा तो आप 1 रुपया देते हो, यानी कि एक ऐसी हमारी धारणा है कि हम कभी भी पूरे के पूरे यानी कि जैसे मान लो कि आपके पॉकेट में अगर जो 100 रुपया होगा तो आप तो यानी कि कितने दे दोगे, यानी कि 1 रुपीज दे दोगे। आजकल भिखारी भी इतने एडवांस हो गए हैं UPI कोड लेके चलते हैं, आप लोगों ने देखा है कि नहीं आप लोगों ने? एक्चुअली पिछली बार दिल्ली में अवंती के ही मीटिंग में गया हुआ था, अवंती मीट में, तो वहां पे हम लोग जो है यानी कि घूम रहे थे तो सडनली हम लोगों ने ओला बुक किया हुआ था, तो वहां पे जो किन्नर होते हैं वो आए और वो बोले कि हम लोगों के पास खुले पैसे थे नहीं तो 100 का नोट देते तो पूरा रख लेता, तो उसको मैंने जो है वैभव सर थे उन्होंने पूछा कि सर आपके पास यानी कि फोन पे है, बोला हाँ फोन पे है, तुरंत QR कोड निकाला मोबाइल से और जो हमको दे दिया, जैसे 10 रुपये पे किए तो कहते 10 रुपये हम लोग नहीं लेते हैं, QR में कम से कम जो है 20 रुपया दीजिए, तो फिर वो 20 रुपये में माना, तो सोचो कि कितना ज्यादा एडवांस हो रहा है, जो है भिखारी लोग भी है। खैर यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो रहा है कि HCl है, अब यानी कि क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोरीन जो है यानी कि 1, 2, 8 जो है यानी कि 7 है, ठीक है। अब जैसे ही यानी कि HCl है यानी कि क्या हो जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी स्टेबल नहीं है बेचारा, अगर ये स्टेबल है लेकिन खुद भी नहीं है, हमें क्या चाहिए, दोनों के दोनों स्टेबल होना चाहिए,
तो ये क्या करते हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ये क्या कहते हैं, काम करते हैं हम दोनों आपस में, क्या कर लेते हैं यानी कि शेयरिंग कर लेते हैं कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना, मैं तुम्हारा यूज कर लेना। तो ये होता कैसे है, जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये यहाँ पे है, ये 2.8.7 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ यार, ठीक है। पर आउटरमोस्ट को हमेशा जब भी याद रखना कि कौन से रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल के, ठीक है, हमेशा याद रखोगे कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। यानी किस प्रकार से, मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूँ ताकि कि यहाँ पे जो है आपको क्लियरिटी दिखे। और यहाँ पे जो है क्लोरीन है, वैसे तो यहाँ पे 2 बना लीजिए और यहाँ पे जो है 8 बना लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब यानी कि इसके पास आउटरमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसी को लेना, ठीक है। यानी कि इस प्रकार कई जगह पे एक एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको जो है किसी को क्या करते हैं जो है डॉट से डिनोट करते हैं, हम दोनों को डॉट से क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या कहता है कि क्लोरीन कि हम हाइड्रोजन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं, तो कहता है कर लो भाई, ठीक है, इन्होंने जो कहा था। ये भी कहता है कि हाइड्रोजन मैं तुम्हारा जो है यानी कि क्या कर लेता हूँ इसको, यानी कि जो है यूज कर लेता हूँ। और जैसे यूज करते देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया यानी कि जो है ऑक्टेट पूरा हो गया, और जैसे ही पूरा हो गया तो यानी कि क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, यानी कि जो है इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि शेयरिंग करके जब बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब कैसे बनते हो, शेयरिंग करके बनते हो। इनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता तो खुद कंगला हो जाता, और इसको एक इलेक्ट्रॉन देने से खुद ये स्टेबल नहीं होगा, तो जिस कारण से इनके पास एक ही उपाय रहता है यानी कि जो है क्या कर ले, शेयरिंग कर ले। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को कि मान लो कि आप लोग यानी कि अगर जैसे स्कूल जाते हो, सपोज करो कि आप लोग दो फ्रेंड हो, मैं मान लेता हूँ कि ए एंड बी फ्रेंड है, ठीक है, मान लिया मैंने क्या है मेरे पास ए एंड जो है यानी कि क्या है बी फ्रेंड है, ओके। अब देखो ए के पास यानी कि पेन खरीदना है, मैं खाने पीने की चीज नहीं करता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे भाग जाते हैं, कहते सर मुझे भूख लग गया, इसलिए मैं यहाँ पे जो है पेन की बात करता हूँ। ए के पास यानी कि 5 रुपीज है और बी के पास यानी कि कितना 3 रुपीज है, और जो पेन का प्राइस है वो कितना रुपीज है, 8 रुपीज है, ठीक है। यानी कि जो पेन का प्राइस कितना है, 8 रुपीज है। अब देखो चाह के ना तो ए खरीद सकता है, ना चाह के कौन खरीद सकता है, बी खरीद सकता है। अब जब दोनों में से कोई नहीं खरीद सकता तो ये लोग कहते हैं कि यार दोनों के पास कम से कम मिलके हम लोग क्या करते हैं यानी कि जो खरीद लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि तुम मेरा 3 रुपये ले ले, और 3 रुपये वाला कहता है कि जो है 5 रुपये वाला कहता है कि मैं तुम्हें जो है 5 रुपये दे देता हूँ। यानी कि दोनों ने क्या करा, मिलके जो है यानी कि क्या कर दिया, यानी कि जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अगर जब दोनों ने मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया तो जिस कारण से यानी कि क्या हो गया, मैंने इसलिए लिया ताकि कि ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब भी शेयरिंग के कारण जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कहानी? यस सर जी सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिए, लग रहा हो कि सर मेरे को ये पॉइंट ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर जो किन्हीं को लग रहा हो, ठीक है। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चले बढ़े। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया, याद रखना कि आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था जबकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हाँ किन्हीं को, किरण सोनी अगर जो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड कर रहे हैं, ठीक है, चले अगर जो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। यानी कि एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं
एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फिर जो है, यानी कि मेटेलिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ। जैसे मान लो कि आपको बनाना है H2O, आप लोगों ने H2O देखा है? यस सर। यस सर। कहाँ मिलता है? सब सबके हमारे घर में। हाँ ठीक है, यानी कि जो है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं वाटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, और यानी कि इसका जो मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊ, देखो कुछ इस प्रकार से बनता है। अभी मैंने नहीं बताया कि किसको बीच में रखना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि किसको जो बीच में रखना है। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होती है, मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यानी कि क्या होता है कि जैसे इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। पहले मैं सिंपल बनाता हूँ, स्ट्रक्चर वाला जो है बाद में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जो है सिंपल बना देता हूँ। यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में। ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास यानी कि कितना होता है? यानी कि एक मैं इसको जो है एक्स डिनोट करते रहा, क्यों कई बार जो है आपको एक्स भी मिल जाए तो आप जो है घबराना नहीं कि सर आपने तो बताया नहीं, यहाँ पे तो एक्स दिया हुआ था। यहाँ पे डॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो? यानी कि जो है एक्स भी लिख सकते हो। अब देखो दोनों के पास किसी के पास नहीं है, तो ये कहता है कि भाई तेरा अपने हाइड्रोजन से कहता है कि तुम मुझे दे दे, तो ये कहता है भाई ले ले हाइड्रोजन, यानी कि जो है ऑक्सीजन का ले लेता है और ये डुप्लेट पूरा करके जो खुश हो जाता है, खुशी खुशी रहने लगता है। ये भी हाइड्रोजन कहता है कि भैया मैं तेरा ऑक्सीजन एक जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, और ये भी क्या हो जाता है खुशी खुशी रहने लगता है। ऑक्सीजन भी कहता है कि मैं तुम दोनों का इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, और यानी कि ये भी क्या हो जाता है खुशी खुशी जो है रहने लग जाता है। यानी कि इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HOS से। यानी कि ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना हमेशा नॉन मेटल के बीच बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा? यानी कि जो है नॉन मेटल के बीच में होगा। जबकि हमने क्या कहा था, अच्छा इसको एक और नाम से भी कह सकते हो कि ये जो नॉन मेटल की जगह पे आप क्या कह सकते हो, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अगर जब आपको कहीं नॉन मेटल ना दिखे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि इनके बीच में भी यानी कि क्या हो सकता है, यानी कि जो है नाम दे सकता है। जबकि मेटल वाला क्या दिया रहेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव दिया रहेगा। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या होता है जो है ये है कोवेलेंट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। मेरे ख्याल से आपसे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए सर। टू के स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई सर। अच्छा सॉरी, TWO। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है बन जाएगा। और किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं समझाने के लिए वैसे मैंने आप लोगों को शायद एक एग्जांपल लिया होगा, आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले याद रखना जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना वो कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कहोगे सर क्या अंतर है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में? वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। एक्चुअली ये भी जो बॉन्ड बनता है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अब चलो मैं एक आपको पहले कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको जो यानी कि NH3 और यानी कि H+ को समझाऊंगा। मान लो कि मैं और कोई जो है एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, मैं किसी एक का नाम ले लेता हूँ यूसुफ। ठीक है, यूसुफ और जो है यानी कि जो है हम दोनों एग्जाम देने गए, यानी कि जो है JEE Mains का।
ठीक है। अब मैंने कहा या बोर्ड का एग्जाम देने गए, ठीक है, यूसु और जो है यानी कि जो है मैं जो है यानी कि क्या गया, यानी कि जो है बोर्ड का एग्जाम देने गया। अब मेरा पेन हो गया खराब, अब मेरे पास एक ही पेन था, तो मैंने कहा यूसु तुम मुझे पेन दे दो। तो यूसु ने कहा सत्येंद्र मैं तुम्हें पेन तो दे दूंगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देना, यानी कि जब मुझे जरूरत हो तो तुम मुझे रिटर्न कर देना। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हें जरूरत होगा तो यानी कि जो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो इसने मुझे एग्जाम में क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। यूसु ने मेरे को क्या करा कि एग्जाम के दौरान जो यानी कि क्या करा, कोऑर्डिनेट किया, यानी कि जो इसके पास जो एक्स्ट्रा पेन था उसने मुझे क्या करा कि दे दिया, ताकि कि मैं क्या कर सकूं, एग्जाम को लिख सकूं। सेम उसी प्रकार से यहाँ होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अमोनियम प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 के साथ बड़े खुश था, और एक हाइड्रोजन यानी कि जो भिखारी आ जाता है, और अब कहता है कि नाइट्रोजन से इसकी नजर किस पे पड़ती है, लोन पेयर पे पड़ती है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन से कहता है, हाइड्रोजन कहता है नाइट्रोजन से कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे वापस कर देना। तो हाइड्रोजन कहता है भैया क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि इन दोनों के बीच यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जैसे ही यानी कि डोनेट करता है तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप लोगों के घर एक एग्जांपल और समझाता हूँ, एक तो मैंने ये वाला समझाया पेन वाला, एक एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे मान लो, हाँ बोलिए सर, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा शेयर? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन से यानी कि इसका कंप्लीट नहीं होगा ना, हाइड्रोजन का एच प्लस है ना, ये बेचारा प्रश्न अपना जो है यानी कि वो बेच चुका है इलेक्ट्रॉन, किसी को जो है कर्जी में दे दिया है इसने, इसने किसी से जो है इसका किसी ने खींच लिया है, यानी कि जब खींच लिया तो यानी कि इसके पास यानी कि क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैसे कमी थी। अब इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन से क्या करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो कि सपोज करो कि मेरे घर में, जैसे देखना क्या होता है कि छोटे छोटे जो औजार होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि खुरपी जो पेड़ पौधे को जो है करते हैं। तो मान लो कि मेरे घर में मैंने पेड़ नहीं लगाया, मेरे घर में जो है यानी कि खुरपी है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मेरे बगल वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, आपको अभी जरूरत नहीं है, आप मेरे को वो खुरपी दे दीजिए, पेड़ को जो है मिट्टी को इस तरह करते हैं ताकि कि जो है भुरभुरा मिट्टी हो जाए, और आपकी जो प्याज आलू है ये सारी चीज जो अच्छे से हो गए। यानी कि अब यानी कि क्या होता है कि जैसे उसने कहा कि तुम्हारे घर में यूज नहीं है तुम मुझे दे दो, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, वो वैसा भी कौन सा खराब होने वाला चीज है, लोहे का चीज है तो खराब तो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम एक काम करो ले लो, लेकिन जब मैं पेड़ लगाऊं तो मुझे दे देना। जब भी याद रखना कि जब भी बॉन्ड टूटेगा ना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन यहीं से टूटेगा, ये यहां से नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने पहले ही करार करके रखा हुआ है कि जब भी आपको जरूरत हो तो यानी कि जो है आप इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन का, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो जिस कारण से ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है कैसा बना, शेयरिंग के कारण बना। लेकिन याद रखना कि जो कोवेलेंट होता है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड शेयरिंग होता है, और वो भी कितने का होता है, एक लोन पेयर का होता है या 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट थी, ये स्टेबल था मस्त, लेकिन इस बेचारे की मदद करने के लिए इसने अपना क्या कर दिया, यानी कि जो है एक लॉन्ग पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिया। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों का शेयरिंग होता है, जबकि यहाँ पे दोनों का नहीं होता है, एक का शेयरिंग होता है, यानी कि बस बदले में मदद करने की व्यू से हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम और एक दो एग्जाम्पल की बात करेंगे और फिर जो है यानी कि आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, ओके आप लोग।